स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन से। तो मैंने चार या पांच क्वेश्चन दिए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन मेरा ये था, सॉल्विंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। तो आई होप तुम लोगों ने ट्राई किया होगा, तो यू कैन वेरीफाई इट नाउ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है हमारा, हम डोमेन निकालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम, फिर लॉग को रिमूव करते हैं डिपेंडिंग अपॉन बेस। फिर तीसरा क्या करते हैं हम, जो भी स्टेप टू में हमारा आंसर आया और स्टेप वन दैट इज डोमेन, उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो करते हैं हम। तो फर्स्ट चीज क्या कि हमने इसका स्टेप वन डोमेन निकाला। तो डोमेन हम दोनों लॉग के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, मतलब वो x जो इसको सेटिस्फाई करे वो भी आना, वो आना चाहिए, प्लस वो x इसको सेटिस्फाई करे वो भी आना चाहिए। उन दोनों का क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि ये लॉग भी डिफाइन होना चाहिए और ये लॉग भी डिफाइन होना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल, इससे मेरे मान लो x की वैल्यू 2, 3, 4 आई, इससे पहले मान लो 3, 4, 4, 5 आई, इसका मतलब क्या होगा, 3 और 4 जो है ऐसी वैल्यूज हैं जो इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। हैज 3, 4 इज द डोमेन, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ऑफकोर्स दिस इज नॉट, हम निकालेंगे अभी। मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ अभी, कि डोम इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यूज ऑफ x, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये भी डिफाइन होगा प्लस ये भी डिफाइन होगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका डोमेन के लिए, तो डोमेन के लिए करते हैं हम, आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। तो बेस तो 2 है, नॉट इक्वल टू 1 है ही, प्लस ग्रेटर देन 0 भी है, बस क्या करें, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो इससे x ग्रेटर देन 1। अभी दिस इज नॉट द डोमेन, अभी मुझे इसके लिए भी करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो क्वाड्रेटिक है, डी निकाल लेते हैं इसका। अच्छा, नाउ देखो इसका ये भी इंटरेस्टिंग आ गया हमारा। पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू सी इंटू 2 विच इज नेगेटिव। अच्छा, ए ग्रेटर देन 0 है प्लस डी नेगेटिव है, इसका क्या बताया था मैं, मतलब तुम्हें जब हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था, दिस इंप्लाइज कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। और मुझे क्या प्रूफ, मतलब सॉल्व क्या करना है, कि ये चीज ग्रेटर देन 0 किस एक्स के लिए होगी, ये तो हमेशा ही होगी क्योंकि हमने देख लिया कि इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स। तो इसका डोमेन क्या आया, आर। अब R और x greater than 1, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा हमारा, दैट विल बी द डोमेन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। तो फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1 क्लोज से इंफिनिटी, दिस इज व्हाट डोमेन। क्लियर है, इंटरसेक्शन क्यों लिया, क्यों लिया हमने, रटना नहीं है हमको। ठीक है ना, चलो अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप, वी हैव टू रिमूव द लॉग। तो लॉग को रिमूव करने के लिए हमारा पहला कहां दिमाग जाना चाहिए, उसके बेस पे, क्या देखेंगे हम, बेस 1 से बड़ा है या छोटा है। तो यू कैन सी बेस इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो क्या करेंगे हम, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, क्या करेंगे, x माइनस 1 ग्रेटर देन x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। क्लियर है, लॉग को हटा दिया, क्यों हटा दिया, साइन विल रिमेन द सेम क्योंकि बेस सेम है और ग्रेटर देन 1 है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन सेम रहा। तो इसको सॉल्व करते तो आया x स्क्वायर माइनस, ये x उधर गया, माइनस 2x प्लस 3 लेस देन 0। ठीक है, अच्छा इसके रूट्स निकालते हैं हम, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो क्या आ रहा है इससे, बी स्क्वायर इज, पहले d देख लेते हैं, d इज बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4ac, तो विच इज नेगेटिव। तो अगेन ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया, थोड़ा इजी हो गया, नेगेटिव आ गया, जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a इज ग्रेटर देन 0। तो अगर d नेगेटिव है a पॉजिटिव, तो अभी देखा हमने क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, बट उसने क्या बोल रखा है कि ऐसे x बताओ जिसके लिए ये नेगेटिव हो, इस जिसके लिए ये नेगेटिव हो, तो क्या होगा आंसर, 5। ऐसा कोई भी x नहीं है जिसके लिए ये नेगेटिव हो, क्योंकि अभी हमने देखा कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, हेंस दिस क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव फॉर ऑल x। बट मुझे सॉल्व क्या करना है, दिस शुड बी लेस देन 0, ऐसा कौन सा x है जिसके लिए नेगेटिव है, कभी आ ही नहीं सकती, हैंस आंसर इज 5। तो 5 का इंटरसेक्शन इसके साथ क्या हो जाएगा, 5 ओनली, हैंस देयर इज नो x फॉर व्हिच दिस इज ट्रू। क्लियर है, एक बार देख लो तुम लोग क्या किया हमने, डोमेन निकाला दोनों का, दोनों का डोमेन का इंटरसेक्शन इज फाइनल डोमेन, फिर हमने लॉग को रिमूव किया, फिर हमारा कहां गया ध्यान, बेस 2 से 1 से बड़ा है,
तो क्या होगा, लॉ इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, तो x माइनस वन ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, फिर इन दोनों टर्म्स को उधर लेके आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो। तो फिर देखा इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, दैट मींस दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है तो लेस देन जीरो के लिए इसने पूछा है, तो आंसर क्या होगा, फाइव। फाइव का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी लूंगा तो क्या आएगा, फाइव। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दो एक दिन में हमारा लॉग चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम टू और थ्री डेज, उसके बाद मोस्टली मंडे से वील स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक, मंडे या ट्यूसडे से। और हमारा जो नेक्स्ट जो अभी टेस्ट आने वाला है शायद 23 या 24 को है, मैंने शायद पता नहीं तुम लोगों को बताया या नहीं, वैसे पारस सर ने जो हमारे एग्जाम इंचार्ज है उन लोगों ने शायद इन्फॉर्म कर दिया था, ग्रुप में डाला भी था, चैप्टर विल बी लॉगरिथम फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। इनइक्वालिटी नहीं आएगा, आ भी सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं आएगा, लॉगरिथम एक इनइक्वालिटी वाला पार्ट तो आ ही सकता है, ठीक है ना, और जज करने के लिए कुछ मैं क्वेश्चन दे भी सकता हूँ, ऐसा मैं सोचना कि इनइक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं आएगा, आ भी सकता है, बट मेजर पार्ट विल बी लॉग फॉर दैट कमिंग टेस्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर टू द बेस टू लेस देन लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू, ठीक है। तो क्या करें, स्टार्ट करते हैं पहले डोमेन। तो डोमेन के लिए क्या किया, पहले इसके लिए डोमेन निकाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, बेस तो पॉजिटिव है वन भी नहीं है, तो इतना ही इसका जो आंसर होगा वही हमारा इस पार्ट का डोमेन होगा। तो ये हो गया हमारा माइनस टू प्लस टू ग्रेटर देन जीरो है, तो इस साइड आएगा। फिर इसके लिए ये तो डायरेक्टली एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब यहाँ से, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारा, टू ओपन से इन्फिनिटी, दिस इज डोमेन फॉर दिस इनइक्वालिटी, ठीक है, टू से इन्फिनिटी। अब क्या कर रहे हैं हम, अब लॉक को रिमूव करेंगे, दिस वॉज माई स्टेप वन जो मैंने कर लिया, डोमेन निकाल लिया। अब स्टेप टू, स्टेप टू पे क्या करते हैं हम, लॉक को हटाते हैं, फिर क्या ध्यान जाना चाहिए, बेस पे, सिंस बेस इज ग्रेटर देन वन इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लॉक को डायरेक्टली हम रिमूव करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज लेस देन एक्स, इससे मेरा क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव फोर सॉरी लेस देन जीरो। तो क्या करें, इसके रूट्स निकालते हैं हम, तो इसके रूट्स निकालते हैं, चलो तो वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, वन माइनस फोर ए सी मतलब प्लस हो जाएगा सिक्सटीन अपॉन टू, तो क्या है वन प्लस माइनस रूट सेवनटीन बाय टू। तो इसने क्या बोला, लेस देन जीरो, तो अगर मैं इधर प्लॉट करूँ इसके रूट्स, तो वन माइनस सॉरी दिस इज वन माइनस रूट सेवनटीन बाय टू एंड दिस इज वन प्लस रूट सेवनटीन बाय टू, लेस देन जीरो बोला मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बीच में आएगा, ठीक है। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, इसके डोमेन के साथ, तो डोमेन क्या है, टू टू इन्फिनिटी, तो टू कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, कैसे, रूट सेवनटीन क्या होगा मेरा, फोर पॉइंट समथिंग, फोर पॉइंट समथिंग प्लस वन कितना होगा, फाइव पॉइंट समथिंग, फाइव पॉइंट समथिंग प्लस डिवाइड बाई टू इज टू पॉइंट फाइव समथिंग, और ये टू है, तो हेंस टू विल कम हेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, टू तुम इधर प्लॉट मत कर देना, ठीक है, तो टू टू इन्फिनिटी, तो टू टू इन्फिनिटी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन दिख रहा है इतना पार्ट, क्या हो जाएगा फाइनल इंटरसेक्शन, टू ओपन से वन प्लस रूट सेवनटीन बाई टू, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, आसान है काफ़ी। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जैसे कि मैंने बताया भी था तुम लोगों को, शुरू के तीन क्वेश्चन ईजी हैं, बट मेन दिमाग खर्च होगा, वो भी एक बार खर्च होगा, जब अगर मैं प्रोसीजर में बता दूंगा उसके बाद वो भी ईजी हो जाएगा, बट मुझे देखना है कि तुम लोगों में से किसने सही किया, शायद एक दो बच्चों ने मुझे सॉल्यूशन भी भेजा था, बट मैंने उसको अभी देख मतलब सेंड नहीं किया, उनका सॉल्यूशन देखा नहीं, बिकॉज आई वाज नॉट फ्री, अभी मैं टुडे आई विल सी दैट सॉल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज लेस देन थ्री, और बेस दिया है थ्री, क्या था, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स टू द बेस थ्री लेस देन थ्री। तो अगेन पहले क्या करें, अपना डोमेन, तो डोमेन के लिए आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम इसके रूट्स निकालना, मैं डायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ, रूट्स आर टू एंड थ्री, यू जस्ट वेरीफाइड, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री करोगे तो यही आएगा, बाकी अगर किसी को क्वाड्रेटिक का थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो दिस सम ऑफ द रूट इज फाइव, प्रोडक्ट इज सिक्स, तो दे आर टू एंड थ्री आर द टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट सिक्स है, सम फाइव है, तो इसके रूट्स आए टू और थ्री, तो उनको प्लॉट किया टू थ्री, ग्रेटर देन जीरो बोला तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो मतलब टू थ्री के साइड और
2 के लेफ्ट में. दिस इज व्हाट डोमेन, दिस इज माय डोमेन. अब मैं, दिस इज माय स्टेप 1 का आंसर. अब स्टेप 2 में क्या करूं मैं, क्या करूंगा मैं, लॉक को ओपन करूंगा. तो लॉक को ओपन करने के लिए मेरा दिमाग पहले कहां जाना चाहिए, उसके बेस पे. ध्यान कि बेस मेरा 1 से बड़ा है, प्लस नेगेटिव नहीं है, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन विल नॉट चेंज. तो अब हम ओपन कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन, तो बेस की पावर RHS, तो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 27. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 27. ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 21, आई थिंक या लेस देन 0. आई होप इसके बाद तुम कर लोगे, ठीक है ना, कि करो, कर लेता हूँ पूरा, चलो कर देते हैं इसको. तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 25, माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 21 इंटू 4 84 अपॉन 2. तो ये मेरा आया 5 प्लस माइनस 20, एक मिनट देखो क्लियर, 20 89 99 109, अंडर रूट ऑफ 109 बाय 2. तो क्या करो, इस प्लॉट करो, लेस देन 0 मतलब दोनों रूट के बीच में आएगा, तो 5 माइनस रूट 109 बाय 2 और एक हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 109 बाय 2. तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन 0 चाहिए, इसका मतलब ये. नाउ यू राइट द फाइनल आंसर, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू विल बी योर फाइनल आंसर दैट यू आर सपोज टू राइट डाउन. मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट मेन, जो मुझे मेन मकसद था मेरा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को इलस्ट्रेट कराना. तो अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने थोड़ा हिंट दिया था तुम लोगों को जब कल, उधर जो बेस है ना वो वेरिएबल है एक्चुअली, तो अभी हमें पता नहीं है कि वो 1 से बड़ी है या छोटी है. अगर 1 से बड़ी होती है तो हम इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करते हैं, 1 से छोटी होती है तो चेंज करते हैं, बट इधर वेरिएबल है इसका मतलब हमें केसेस बनाना पड़ेगा. किसके रिस्पेक्ट में केसेस बनेंगे, बेस के रिस्पेक्ट में, जब बेस 1 से बड़ा है, जब बेस 1 से छोटा है, यही मेन क्रिटिकल पॉइंट था उस क्वेश्चन में. तो हम क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, लॉग ऑफ x माइनस 3, x माइनस 3 टू द बेस x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, दिस वाज आवर क्वेश्चन, ठीक है. तो सबसे पहले तो डोमेन की बात कर लेते हैं, डोमेन निकाल के अलग रख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व फर्दर. तो डोमेन क्या होगा, डोमेन के लिए देखना, फर्स्ट आई विल कैलकुलेट फॉर डोमेन. तो आर्ग्यूमेंट दैट इज x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस दैट इज x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1. तो इन तीनों का इंटरसेक्शन इज व्हाट माय डोमेन. तो x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, और x इससे क्या है, x नॉट इक्वल टू 2. तो ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन में 2 नहीं आ रहा है, तो 2 तो वैसे भी नहीं है, तो फाइनली इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 3 ओपन से इन्फिनिटी. दिस इज व्हाट डोमेन, फाइनल डोमेन, इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3, क्लियर है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे और फाइनल केसेस बना के यूनियन लेके जो भी फाइनल आंसर आएगा हमारा स्टेप 2 का, उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे स्टेप 1 के साथ. तो स्टेप 2 अब क्या करें, हम अब मुझे लॉक को रिमूव करना है. स्टेप 2 में हम क्या बोलते हैं, लॉग को रिमूव करूं, बट अभी तक जो क्वेश्चन किए थे हमने उसमें लॉग में क्या था, बेस जो था वो कांस्टेंट था, बट हियर द बेस इज वेरिएबल. तो इसका मतलब डायरेक्टली तो मैं बोल नहीं सकता कि मैं, मतलब बहुत से 90% बच्चों ने ऐसे लिखा होगा x माइनस 3 ग्रेटर देन x माइनस 1 का स्क्वायर, विच इज रॉन्ग. हाउ कैन यू से कि इनइक्वालिटी का साइन सेम कैसे रखा तुमने, वी डोंट नो ना x माइनस 1 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है. समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, वी डोंट नो कि x माइनस 1 जो है वो 1 से बड़ा है या नहीं है, ठीक है ना. सो वी हैव टू मेक केसेस, कैसे बनाएंगे देखना. मैंने बनाया केस 1 व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, बेस जब 1 से बड़ा है, और एक केस मैं बनाऊंगा व्हेन केस 2 इज x माइनस 1 इज सॉरी ग्रेटर देन नॉट 0, इट इज ग्रेटर देन 0 तो हो गई ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. देखा मैं 1 के रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ, क्योंकि 1 के अक्रॉस हमारा सिनेरियो चेंज हो जाता है ना, बेस 1 से कम होता है तो हम अलग तरीके से डील करते हैं, बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो हम अलग तरीके से डील कर सकते हैं. दैट मींस x बेस इज इक्वल टू 1 इज द डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर, मतलब उधर से हमारा डिसाइड होगा, ठीक है. तो पहले ले लिया केस 1 इज बेस इज ग्रेटर देन 1. अब क्या करते हैं हम इस केस के अंदर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं. तो मैंने किया, अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन 1 मतलब बेस ग्रेटर देन 1 है, तो क्या करूं मैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर, मैं क्या कर सकता हूं, इसको लॉक को हटाते वक्त क्या बोलूंगा, इनइक्वालिटी का साइन विल रिमेन द सेम. क्या हो जाएगा,
इनइक्वालिटी का साइन विल रिमेन द सेम, इससे क्या आएगा x माइनस थ्री शुड बी ग्रेटर देन x माइनस वन का स्क्वायर। और इधर क्या होगा, इधर उल्टा होगा, x माइनस वन अगर वन से छोटा है बेस, तब इस लॉग को कैसे रिमूव करूंगा, x माइनस थ्री, अब इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इधर आएगा x माइनस वन का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा अब क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा चलो इसको कर ले, पूरा कंप्लीट करते हैं। तो x इसको चलो ये हो गया x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन लेस देन x माइनस थ्री, तो x स्क्वायर माइनस ये उधर गया 3x और 4 प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, इसके रूट्स निकालते हैं। तो एक तो क्या है, ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकते हो, सम ऑफ द रूट इज 3 एंड प्रोडक्ट इज 4। अच्छा देखो 9 माइनस 4, नहीं 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 नहीं, इसके रूट्स तो रिमाइंडर ही आ रहे हैं, देख लो एक बार फिर भी, ये मेरा क्या लेस देन 0। चलो ठीक है, इसके रूट्स देखो 3 बी स्क्वायर, डी देखो डी बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू 4 16, तो दिस इज नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है हमेशा पॉजिटिव है, मुझे क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है जब ये लेस देन 0 है, इसका आंसर क्या हुआ 5। तो केस वन का आंसर इज 5। एक्चुअली में देखो इधर 5 आ गया, मान लो इधर कुछ 5 नहीं आता, तो क्या मैं उसको केस वन का आंसर बोलता, एक मिनट के लिए सोचो पॉज करके, नहीं बोलता। क्यों? जब भी मेरा केस के अंदर जो भी हम सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी, जब भी आंसर आता है उसको हम केस वन के डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, बट एक्चुअली इधर 5 आया तो 5 का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी लो, 5 ही आने वाला है, तो एंस केस वन का ओवरऑल आंसर इज 5। डोंट फॉरगेट टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दिस विद डोमेन ऑफ केस वन, हमेशा केस के अंदर जो भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं हम उसमें केस के डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, तब हम उसको बोलते हैं फाइनल आंसर फॉर केस वन। सिमिलरली विल डू हियर ऑल्सो, तो यहाँ क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन एक्स माइनस टू, वही चीज आ गई उल्टा हो गया बस, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर ग्रेटर देन जीरो। तो जैसा कि इधर देखा क्वाड्रेटिक तो सेम ही है, बट इधर ग्रेटर देन जीरो है। अब ग्रेटर देन जीरो है तो देखना, ये चीज ग्रेटर देन जीरो है और मुझे पता है कि इसका डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, और ये चीज पॉजिटिव हमेशा है, और ये क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू, मतलब इसको कैसे रीड करेंगे, एक्स निकालो जिसके लिए ये चीज पॉजिटिव है, तो मुझे पता है एक्स कुछ भी डालो इसमें ये हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, तो इसका आंसर क्या हो गया आर। अब मैं क्या आर आंसर बोलूं इस केस वन का, अभी नहीं, पहले मैं क्यों क्या करना पड़ेगा, इस केस वन के डोमेन के साथ, सॉरी केस टू के डोमेन के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जब भी केस के अंदर हम जो भी इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं उसको हम आंसर नहीं बोलते हैं केस, उस पर्टिकुलर केस का, उस पर्टिकुलर केस के डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेने के बाद हम उसका आंसर बोलते हैं। तो क्या होगा देखना, ये क्या लिखा है, डोमेन तो ये है मेरा, तो ये क्या लिखा है, एक्स लेस देन टू लिखा है, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स लेस देन टू। क्लियर है, एक्स लेस देन टू और आर का एक्स लेस देन टू। अब क्या हो गया, दिस इज, अब ये एक्स लेस देन टू और फाइव इन दोनों का यूनियन, केस वन और केस टू को देख नहीं लेते, अब फाइव तो वैसे कुछ है ही नहीं, तो इसका यूनियन और इसका यूनियन क्या हो गया, यही, तो दिस इज माय आंसर फॉर स्टेप टू। देखना ध्यान से, एक एक चीज समझना, आंसर फॉर स्टेप टू। अब क्या करूं मैं, स्टेप थ्री में क्या करते थे हम कल देखा, जैसे इसका इंटरसेक्शन डोमेन के साथ लेंगे, तो थ्री टू इन्फिनिटी का इंटरसेक्शन लेस देन टू के साथ लोगे इन दोनों का, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ थोड़ा फास्ट में, ठीक है ना, क्योंकि ये होमवर्क क्वेश्चन है। एक्स लेस देन टू और ये एक्स ग्रेटर देन थ्री, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा फाइव, हेंस देयर इज नो सच एक्स फॉर दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स। क्लियर हुआ बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छी बात कहाँ थी इसमें, ये केसेस बनाना, केस क्यों बनाना पड़ा, बिकॉज हमें पता नहीं है कि बेस वन से बड़ा है या छोटा है, तो हमने उसी के अक्रॉस केस बना लिया, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन वन, व्हेन बेस इज लेस देन वन। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है, अभी भी अगर किसी को डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछो। तो अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अगर मान लो तुमने इससे सीख भी लिया, अब शायद तुम फिफ्थ क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो, तो क्या करो, एक काम करो, वीडियो को पॉज करके पहले एक बार खुद से ट्राई करो फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो देख लिया हमने, सीख लिया कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो शायद अब तुम लोग कर लोगे, मोस्टली चांसेस है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी एबल टू डू इट नाउ, और फिर रिज्यूम करके वीडियो को फिर मेरे से सॉल्यूशन वेरीफाई करो, क्योंकि कुछ डिफरेंस नहीं है। अब जो क्वेश्चन था हमारा x माइनस फोर टू द बेस x प्लस वन लेस देन वन, यही क्वेश्चन था हमारा, लॉग ऑफ x माइनस फोर टू द बेस x प्लस वन लेस देन वन। तो अगेन पहला बार डोमेन निकालते हैं, तो डोमेन के लिए x माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो,
तो इससे आया x ग्रेटर देन 4, बेस दैट इज x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इससे आया x ग्रेटर देन माइनस 1, बट x प्लस 1 बेस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, तो इससे आया x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इन तीनों का इंटरसेक्शन, तो x ग्रेटर देन 4 x ग्रेटर देन माइनस 1 और x नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में ही 0 नहीं आ रहा तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा फाइनली तीनों का, 4 टू इंफिनिटी। दिस इज डोमेन फॉर दिस इनइक्वालिटी। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे, तो हमें लॉग को रिमूव करना है, बट अगेन बेस इज वेरिएबल, तो क्या करें, हमें केसेस बनाना पड़ेगा कि बेस 1 से बड़ा कब है, 1 से छोटा कब है, सो विल मेक टू केसेस, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या बनाया, बेस दैट इज x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, अगर x 1 x बेस 1 से बड़ा है तो ये तो मेरा हो गया केस 1 का डोमेन, लिख लो ऐसे केस 1 का डोमेन, इसको रखा, अगर ऐसा है तब मैं इस इनइक्वालिटी को मैं लॉग रिमूव कर सकता हूँ विदाउट चेंजिंग इनइक्वालिटी का साइन, क्यों, क्योंकि बेस इज ग्रेटर देन 1, हम उसी x के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो उधर से क्या आएगा, x माइनस 4 इज लेस देन x प्लस 1, x प्लस 1 की पावर 1 आएगा, लॉग को रिमूव किया, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS, तो इधर से हमारा क्या आया, ये x से x गया, माइनस 4 इज लेस देन 1, तो ये तो हमेशा ट्रू है, माइनस 4 तो 1 से हमेशा ट्रू है, इधर x कुछ भी रखो, x से इंडिपेंडेंट है, तो अब क्या करूं मैं इसका, दिस इज नॉट द आंसर फॉर केस 1, इसका इंटरसेक्शन इसके डोमेन के साथ, और डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन, क्योंकि ये 1 से बन गया, x ग्रेटर देन 0 का r के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, हेंस आंसर इज 0 टू इंफिनिटी, दिस इज केस 1 का आंसर, क्लियर हुआ, मैंने r नहीं बोला, r का पहले इंटरसेक्शन लिया केस 1 के डोमेन के साथ। अब आते हैं इस पे, तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, केस 2 इज x प्लस 1 लेस देन 0, लेस देन 1 सॉरी, बेस इज लेस देन 1, अब इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, x प्लस माइनस 4 इज ग्रेटर देन x प्लस 1, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, क्यों, क्योंकि बेस इज लेस देन 1 फॉर दिस पर्टिकुलर केस, तो ये x से x गया, तो माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1, दिस इज 5, माइनस 4 तो 1 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता किसी भी x के लिए, तो 5 का इंटरसेक्शन इसके साथ, किसके साथ, दिस इज डोमेन फॉर केस 2 इज 5 ओनली, अब क्या आया, केस 1 और केस 2 का क्या लेंगे हम, यूनियन, तो इन दोनों का यूनियन वो कितना आएगा, 5 का यूनियन इसके साथ लोगे तो 0 टू इंफिनिटी, तो 0 टू इंफिनिटी, क्या मैं इसको आंसर बोलूं अभी मेरा फाइनल, नहीं, स्टेप 3 बचा है हमारा, इसका इंटरसेक्शन हम डोमेन के साथ लेंगे, तो फाइनली इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, क्लियर है, तो 4 से इंफिनिटी, 0 से इंटरसेक्शन क्या जाएगा, 4 से इंफिनिटी, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, एक छोटा सा पार्ट है उसको कवर करते हैं अभी, टॉपिक का है नाम छोटा, बहुत ही छोटा सा, एक दो लाइन का ही है वैसे, समझने का है लेकिन है इंपॉर्टेंट, तो ना क्या है, साइन ऑफ लॉग, साइन ऑफ लॉग रहते हैं, साइन मतलब SIGN मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखो, क्या इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट, इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, देन लॉग इज पॉजिटिव, देन लॉग इज पॉजिटिव, एल्स नेगेटिव, एल्स नेगेटिव मतलब अपोजिट साइड पे, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से सुनो, पहले मैंने बोला, मैंने तुम्हें पूछा जैसे log of 5 to the base 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस इसने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, बेस और आर्ग्यूमेंट को देखेंगे, वो 1 के एक ही तरफ आ रहे होंगे, सेम साइड आ रहे होंगे, तो log पॉजिटिव होगा, तो
पहले मैंने क्या किया, वन को लोकेट किया, लेट्स से दिस इज वन, उसके बाद आई विल लोकेट बेस एंड आर्ग्यूमेंट, तो बेस मेरा क्या है टू, तो टू विल लाई हियर एंड फाइव विल लाई हियर, सो यू कैन सी कि जो हमारा बेस है और आर्ग्यूमेंट है दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, दिस इज यूनिटी वन, तो टू एंड फाइव आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, हैज दिस इज पॉजिटिव, बहुत आसान पार्ट है। जैसे मैंने लिखा लॉग ऑफ टू टू द बेस फाइव, मान लो ये भी लिख लिया, ऐसे लिख लिया, तो ये नंबर क्या होगा मेरा, अगेन टू एंड फाइव आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, दिस इज पॉजिटिव, तो लॉग और आर्ग्यूमेंट अगर एक ही साइड पे लाई करेंगे वन के, तो क्या होगा लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसे मैंने लिखा लॉग ऑफ, ये लिखते जाना तुम लोग, लॉग ऑफ हाफ टू द बेस वन बाय फोर, हाफ टू द बेस वन बाय फोर, तो हाफ और वन बाय फोर को लोकेट करूंगा तो क्या आएगा, ये तो हट गया यहाँ से, वन बाय फोर इधर आएगा और इधर वन बाय टू आएगा, तो अगेन वन बाय टू एंड वन बाय फोर आर ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब लेफ्ट में इसके, हैंस दिस इज पॉजिटिव। इसी को समझने का एक और तरीका था, याद है हमने बेस चेंजिंग थ्योरम बताया था ऐसा कुछ, या फिर इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इसको 4 की पावर माइनस 1 लिख लो, इसको 2 की पावर माइनस 1 लिख लो, वो माइनस 1 आगे आएगा, ये वाला माइनस 1 आगे आएगा, तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4। अब ऐसे बोल लो 2 और 4 इधर आएंगे, इधर 2 आएगा इधर 4 आएगा, अगेन 2 एंड 4 आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, हेंस दिस इज पॉजिटिव, ये दोनों तो एक ही चीज लिखी थी, दोनों पॉजिटिव, तो हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एक आध एग्जांपल नेगेटिव वाला ले लेता हूं, जैसे लॉग ऑफ 3 टू द बेस हाफ, अब क्या होगा हमारा, 3 तो राइट में है वन के, ये मैं मिटा देता हूं, ये मेरा 1 है, तो 3 तो मेरा इधर है, दिस इज 3, और हाफ मेरा इधर आएगा कहीं तो 1 के सेट, तो दे आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी, हेंस दिस इज नेगेटिव। या इसको ऐसे भी समझ सकते, देखो 2 इसको इस हाफ को लिख सकता हूं 2 की पावर माइनस 1, उस माइनस को आगे लेके गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। अब ये चीज पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि 3 और 2 तो राइट में आएंगे 1 के, तो पॉजिटिव इंटू माइनस 1 नेगेटिव, तो नेगेटिव लिखा है, क्लियर हुआ। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मतलब तुम्हें प्रॉपर्टी तो अच्छे से आना चाहिए बस। तो स्टेटमेंट हम क्या याद रखेंगे कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट यूनिटी के सेम साइड पे होंगे देन लॉग ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट इज पॉजिटिव, क्लियर है। चलो तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी करो, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, उसके बाद वी विल एंड अप विद दिस लेक्चर। वो इससे थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है, ये ज्यादा आसान था, ठीक है ना। साइन ऑफ लॉग क्या बोला, कि बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी होंगे तो लॉग विल बी पॉजिटिव, इफ दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी देन लॉग विल बी नेगेटिव, ठीक है। चल अब मैंने बोला, देखना नेक्स्ट चीज, अभी तो मेरा डिस्कशन हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ, अब सेकेंड डिस्कशन इज कि लॉग की वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी, 1 से छोटी कब होगी। देखना मैंने इससे पहले जो लिखा उसमें तो हमने क्या डिस्कस किया कि व्हेन लॉग इज पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, वो डिस्क्रिमिनेट किया था। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ लॉग की वैल्यू 1 से बड़ी कब होगी और 1 से छोटी कब होगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, इधर पहले लिख लो व्हेन लॉग इज ग्रेटर, चलो इधर पहले मैं बना देता हूँ, देखो इधर क्या करेंगे हम, पहले तो मैंने 1 बनाया इधर, ठीक है। अब सुनना, दिस इज माय 0, दिस इज माय 0, दिस इज माय 1। अब क्या किया, अगेन इधर किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे डिपेंड करेगा। अब सुनना ध्यान से, देयर आर टू सिनेरियोस, देखो बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी या फिर 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी, 0 से कम तो हो नहीं सकती, वो तो लॉग ही डिफाइन नहीं है। तो दो सिनेरियो बनेंगे हमारे, एक तो बेस इस रीजन में लाई करेगा, और इसी के पैरेलल एक और सिनेरियो ले लेते हैं हम, या फिर मेरा बेस इधर लाई करेगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना बात को, मेरा इधर मैंने क्या लिया, बेस इज ग्रेटर देन 1, इधर बेस इज लेस देन 1, ऑफ कोर्स इन बोथ द केसेस बेस इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 के राइट में लिया बी को मैंने। अब सुनना ध्यान से, अब मेरे को मैं डिस्कस किसके ऊपर कर रहा हूँ, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, क्या ये 1 से बड़ा कब होगा,
या वन से छोटा कब होगा? इससे पहले वाला जो डिस्कशन था वो मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव पे था, मतलब जीरो के रिस्पेक्ट में था, जीरो से बड़ा कब होगा, जीरो से छोटा कब होगा। अभी मेरा डिस्कशन किसके ऊपर है कि इसका वैल्यू वन से बड़ा कब होगा, वन से छोटा कब होगा। ठीक है, अब सुन रहा मैंने क्या किया। अब अगेन जो हमारे आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट के लिए क्या क्या पोजिशन है अभी हमारी एट प्रेजेंट, ये और ये। सुनना, ऐसा रखने पे मेरे पास तीन रीजन है। ठीक है, लेट से मैं इसको टी नाम दे रहा हूं, मुझे टी ही बताना है वन से बड़ा कब है और वन से छोटा कब है। ठीक है, अब सुनना क्या बोला कि अगर बेस वन से बड़ा है, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बेस वन से बड़ा है जैसे कि लॉग ऑफ बेस टू, तो मेरा आर्ग्यूमेंट अगर बेस से बड़ा होगा तब मेरा जो मैग्नीट्यूड होगा ना टी जो वैल्यू होगा लॉग का, दैट विल बी पॉजिटिव, सॉरी दैट विल बी ग्रेटर देन वन। नहीं समझ में आएगा, सुनो मेरा मतलब, कहने का मतलब है देखो लॉग टू टू द बेस टू कितना होता है वन, और मुझे पता है लॉग में अगर बेस वन से बड़ा होता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो लॉग ऑफ थ्री टू द बेस टू कितना होगा, वन पॉइंट समथिंग, वन से बड़ा। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर टू से बड़ा हो गया थ्री, टू पे तो एग्जैक्टली वन आया, और जैसे मैंने टू से बढ़ाया आर्गुमेंट थ्री पे लेके गया तो वन से बढ़ गया वैल्यू। तो इसका मतलब इन तीन पोजीशन पे, जैसे ये पोजीशन वन, पोजीशन टू, पोजीशन थ्री, इनमें से कहां आर्गुमेंट लिखूं मैं अभी सो दैट लॉग इज ग्रेटर देन वन। क्या लिखा, टू से बड़ा होना चाहिए, मतलब बेस अभी मैंने टू लिया था, इसका मतलब अगर मेरा आर्गुमेंट बेस से बड़ा है, दैट इज दिस सिनेरियो, इसमें अगर मेरा ए लाई करेगा तब मेरा क्या होगा, टी ग्रेटर देन वन आएगा। सुनना, अगर मेरा इधर होगा तो टी लेस देन वन आएगा, बट जैसे अब देखो ये तो हो गया इस केस का डिस्कशन, और प्लस इधर मेरा होगा टी, चलो इधर तो एक ही चीज हो गई। अब सुनना ध्यान से, इसी केस के अंदर मान लो मैं प्रीवियस वाला नेगेटिव पॉजिटिव ही डिसाइड करने वाला हूँ, मान लो मुझे इनकॉर्पोरेट करना है, तो बेस वन के इस साइड है तो ये पूरा रीजन जो होगा ये टी ग्रेटर देन जीरो का होगा, और ये वाला जो रीजन है टी लेस देन जीरो। समझना ध्यान से, कंफ्यूज नहीं हो रहा है, एक बार और समझ लेते हैं शुरू से। तो क्या बोला, एक तो पहली बात वो जो पहले पढ़ा और जो अभी पढ़ा, इसको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, एक दूसरे को रिलेट नहीं करना है, वो चीज़ अलग थी, वो चीज़ हम जीरो के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, इधर हम यूनिटी दैट इज वन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। उधर क्या था हमारा, चलो एक बार और रिकॉल करते हैं उधर वाला, कि लॉग का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब बेस और आर्ग्यूमेंट लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, और लॉग का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, इफ बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये तो हो गया था वहां खत्म। तो उस चीज को मैंने इधर कैसे पिक्चराइज किया है देखना ध्यान से, अभी इसको भूल जाओ, रेड वाले को उसको भूल जाओ, ये जीरो है ये वन है, ये बेस है बी। तो अभी मैं पहले वाली चीज डिस्कस कर रहा हूं कि अगर जो आर्ग्यूमेंट है और बेस अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी हो तो यूनिटी इज वन, तो अगर ए जो होगा वन के राइट में आएगा तो टी पॉजिटिव होगा। तो दिख रहा है मैंने बोला है वन के राइट में अगर मैंने ए लिया तो टी इज पॉजिटिव, और अगर बेस इस साइड है ए को इधर ले लिया तो टी इज नेगेटिव। ये तो क्या पुराना वाला डिस्कशन, अब अभी वाला मैं क्या बोला मैंने, अभी हम क्या कर रहे हैं, लॉग का वैल्यू वन से बड़ा कब होगा। तो देखना मैंने एक्सप्लेन कैसे किया, लॉग ऑफ टू टू द बेस टू तो वन होता है, फिर मैंने बोला बेस टू है तो लॉग बेस अगर वन से बड़ा हो तो लॉग क्या होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो टू से अगर मैं थ्री की तरफ गया तो ये क्या होगा, वन पॉइंट समथिंग। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मैंने आर्ग्यूमेंट को इधर जो आर्ग्यूमेंट मैंने इधर लिखा, अगर वो टू से बड़ा ले लिया, मतलब बेस से बड़ा ले लिया, तो मेरा वन से बड़ा आ रहा है, तो बेस ये है मेरा। अगर आर्ग्यूमेंट मैंने इसके आरएचएस में लिया, तुम अपने लैंग्वेज में लिखना, बेस के अगर आरएचएस में लिया मैंने, तब मेरा टी जो है ग्रेटर देन वन है। अगर बी के एलएचएस में लिया, बीस के एलएचएस मतलब ये पूरा है, ये पूरा पार्ट है एक्चुअली, इसमें लेस देन वन है, ऑफकोर्स टी लेस देन जीरो मतलब टी लेस देन वन भी है। समझ में आ रहा है, मतलब दो पार्ट्स में बाइफुरिकेट हुआ है ये। देखो सिनेरियो ऐसा हो रहा है, एक सिनेरियो ये हो रहा है, वो एक्चुअली क्या मैंने तुम्हें ये उस चीज को भी इधर कर दी, तो हो सकता है तुम कंफ्यूज हो जाए, तो तुम ऐसा लिख लो, ये वाला पट्टी बनाओ जो मैं भी बना रहा हूँ, ऐसा बना लो, बेस वन मेरा ये, बेस ये,
दिस इज फॉर ए, दिस इज अगर मेरा ए इधर लाई कर रहा है या फिर इधर लाई कर रहा है, इधर लाई करेगा तो क्या होगा, टी ग्रेटर देन वन होगा, इधर टी लेस देन वन होगा। अब ज्यादा क्लियरिटी आई होगी। और टी लेस देन वन में भी, टी लेस देन वन में भी दो सिनेरियो है। अब मैं पुराना वाला भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, क्या होगा कि अगर इतना पार्ट है, देखो दोनों पार्ट में टी लेस देन वन है, बट इनमें भी हम बाइफरकेट कर सकते हैं क्या, इसमें टी लेस देन वन तो है बट टी पॉजिटिव तो है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर ऑन द सेम साइड, दैट इज आरएचएस ऑफ यूनिटी। बट हियर बेस तो वन के आरएचएस में है और इधर आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, वन के लेफ्ट में हो गया, हैंस टी इज नेगेटिव। आई होप क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो वीडियो को पॉज करके रिमाइंड करके जो मैंने लास्ट के तीन चार मिनट में बोला दोबारा सुन, क्लियर है सिनेरियो। चलो अब हम आते हैं, ये तो मेरा सिनेरियो कब हो गया, बेस को मैंने वन से बड़ा लिया, अब मैं बेस को वन से छोटा ले लेता हूँ। अब क्या होगा, अगेन सुनना, अब मेरा देखो टी ग्रेटर देन वन कब होगा, जब मेरा जैसे मैंने क्या बोला था, आर्ग्यूमेंट बेस के राइट में आए, इधर क्या बोलूंगा, आर्ग्यूमेंट बेस के लेफ्ट में आए, तो इन दिस सिनेरियो हियर टी इज ग्रेटर देन वन। अच्छा तो चलो एक ऐसे लिख लेते हैं, जैसे मैंने उधर ब्लैक कलर से लिखा तो तुम्हें ज्यादा आसान होगा। देखो इतने सिनेरियो के लिए टी इज ग्रेटर देन वन और इतने पूरे सिनेरियो के लिए टी इज लेस देन वन, ये तो हो गया लेस देन वन ग्रेटर देन वन की बात। अब मैंने बोला इसके अंदर मुझे पुराना वाला भी ऐड करना है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो सुनना, अगर बेस वन के लेफ्ट में है तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर मैंने आर्ग्यूमेंट लिया तो मेरा आर्ग्यूमेंट एंड बेस विल बी ऑन द लेफ्ट ऑफ यूनिटी, हैंस टी विल बी पॉजिटिव एंड इन दिस रीजन टी विल बी नेगेटिव। अच्छे से बिठाओ इस दिमाग को, दो चीजें हैं ठीक है ना, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव वो हम डिस्क्राइब कर कैसे करते हैं, जो आर्ग्यूमेंट और बेस है वो सेम साइड ऑफ यूनिटी होना चाहिए, पॉजिटिव तब होगा, अगर अपोजिट साइड है तो नेगेटिव होगा। और दूसरी चीज क्या बोली मैंने, टी का मैग्नीट्यूड वन से बड़ा कब होगा, कब होगा जब अगर उसमें दो सिनेरियो है, अगर बेस वन से बड़ा है। देखो एक्चुअली ये सिनेरियो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कल मैं बताता हूँ कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, हम हमेशा बेस को वन से बड़ा बना लेंगे, तो ये वाला केस हमें करना ही नहीं पड़ेगा सर, दिमाग में ही नहीं रखना पड़ेगा, केवल इसी से काम चलेगा। मैं क्या बोला कि बेस अगर वन से बड़ा है, एक बार लिख लो अपनी लैंग्वेज में, बेस अगर वन से बड़ा है तो टी को वन से बड़ा होने के लिए, टी को वन से बड़ा होने के लिए ए जो है वो बी के आरएचएस में आना चाहिए, ऐसे लिख लो। वीडियो को पॉज करके स्लो स्लो फॉरवर्ड करके, नहीं तो सुनो धीरे धीरे, एक बार और बोलता हूँ, वेन बेस इज ग्रेटर देन वन देन टी को वन से बड़ा होने के लिए आर्ग्यूमेंट को बेस के राइट में होना चाहिए, तब मेरा टी ग्रेटर देन वन आएगा। और इसमें उल्टा है, इधर अगर बेस वन से छोटा है तो आर्ग्यूमेंट को बी से छोटा होना चाहिए, बी से लेफ्ट में आना चाहिए टी को वन से बड़ा होने के लिए, आर्ग्यूमेंट को बेस के लेफ्ट में आना चाहिए, उधर राइट में आना चाहिए था, वो कब था, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन वन, व्हेन बेस इज लेस देन वन उल्टा हो गया, आर्ग्यूमेंट को लेफ्ट में आना चाहिए बेस से, तब मेरा टी ग्रेटर देन वन होगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। स्टिल इफ यू हैव डाउट्स इन दिस यू फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना, पूछो मुझसे। एक दो दिन से मेरा बिजी शेड्यूल था तो शायद कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आए, तो टुडे आई विल ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस, और पढ़ो इसको ठीक है ना, अच्छे से सुनो, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, और उसमें मैंने क्या बोला, लास्ट के दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, उसके बेसिस पे मैं आज ट्राई करूंगा ग्रुप में दो तीन क्वेश्चन और पोस्ट करने का, जिसमें मेरी बेस इज वेरिएबल। तो ठीक है फिर, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।